मध्य प्रदेश के वोटों की गिनती हो चुकी है। एग्जिट पोल में इस बार भी बीजेपी की एक तरफा जीत बताई जा रही थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पिछड़ रहे हैं। सीहोर में तो नतीजे देखकर सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया बीजेपी के केपी यादव से 53,000 वोटों से हार चुके हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गुना सीट पर कांग्रेस पर बीजेपी सरकार की लहर भारी पड़ गई है। नरेंद्र मोदी के वापस प्रधानमंत्री बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट्स की हर पल की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।